back to my channel. Hope you all are doing great. Actually, आज मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और मैंने सोचा कि अगर मैं जा ही रही हूँ तो why not take you guys along and then show you कि न्यूजीलैंड में कितना महंगा और कितनी सस्ती है चीजें. So see you there. अभी हम जा रहे हैं रिकर्टन जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, पर मॉल तो बंद हो गया होगा, पैक एंड सेव खुला रहता है, वहीं से हम लोग शॉपिंग करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहता है. अच्छा यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम है ना, मतलब एक लाइन से सारी गाड़ियां जाएंगी, जो जिस लेन में है उसी लेन में रहता है और मतलब इतना प्रॉपरली हर कोई रूल्स फॉलो करता है कि देख के मजा आ जाता है. ड्राइव इतनी स्मूथ होती है कि तुम्हें इरिटेशन ही नहीं होती रास्ते में, फिर हर कोई अपने ही लेन में है. अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल की पार्किंग में और पार्किंग में तो काफी गाड़ियां अभी खड़ी है. हम लोग मॉल के अंदर जाएंगे, पैक एंड सेव में जाएंगे और प्रोबेबली हाँ के मार्ट भी खुला रहता है शायद, तो के मार्ट में भी जाएंगे. मैं आप लोगों को के मार्ट भी दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छा है. हमारे घर पे एक्चुअली जितना भी सामान है डेकोरेटिव वो आधा से ज्यादा के मार्ट से ही है, काफी अच्छा डेकोरेटिव सामान मिलता है उधर. तो मास्क पहन रही हो क्योंकि लेवल 2 में है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है और स्कैन भी करना होता है. बिफोर एंटरिंग इन टू एनी शॉप यू हैव टू स्कैन, तो दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर योर ओन सेफ्टी ऑफ कोर्स. ये है की पार्किंग, मस्त एकदम. अभी इतने सारे लोग होंगे उनके सामने व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, देखते हैं कितना कर पाती हूँ, ज़्यादा उम्मीदें नहीं है. तो दिस इज़ कोविड ट्रेसर ऐप, यहाँ पे हम लोग स्कैन करते हैं पहले और फिर ही किसी मॉल में एंटर करते हैं, ताकि अगर कोई भी यहाँ पे कोविड पेशेंट आए तो वो हमें पता चल जाएगा कि हम भी इस टाइम पर इस जगह पर प्रेजेंट थे. ये देखो अभी आने वाला है क्रिसमस, यहाँ पे क्रिसमस ना दिवाली से कम नहीं होता, सो इट्स लाइक सेम जैसे इंडिया में दिवाली में होता है ना, वैसे यहाँ पे क्रिसमस पे होता है. ये है पैक एंड सेव. आहा टमाटर बड़े मजेदार. बैंगन जो कि है 150 रुपए किलो, नहीं 150 रुपए का एक. हाँ ये है ब्रोकली जो है 100 रुपए की एक, और 150 रुपए का ही पर केजी मैंडरिन जो है ऑरेंजेस है. गाजर, मूली, देखो गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गोभी के प्राइजेस क्या है यहाँ पे. अरे आजकल तो सस्ती हो रही है, बीच यहाँ हरी गोभी भी आती है. प्याज, आलू, यार ये मेरे को नहीं पता टैमरिलो क्या होता है, इतना महंगा है ये $15 का. यहाँ पे सारा ये सेक्शन है चिकन वगैरह का, चिकन मीट सब कुछ है इधर, ये वाला सेक्शन जो है. गाइस लोग अभी मुझे ऐसे देखने लग गए हैं ना ऐसे और इतना ऑकवर्ड हो जाता है. ये यहाँ पे वो वाली दवाइयाँ होती है जिनको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, ओवर द काउंटर होते हैं ना OTC, वो वाली मेडिसिन यहाँ पे मिल जाती हैं. पैनाडॉल फेवरेट यहाँ की, सब मिल जाती है यहाँ पे. देखो मेकअप भी मिलता है यहाँ पे, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सारे.
ये देखो फ्रोजन मटर, सब कुछ फ्रोजन वेजीज। इतनी भीड़ है ना, सारी की सारी व्लॉगिंग तो मैं नहीं कर पाऊंगी कि मैं हर जगह दिखाऊं, पर हाँ कुछ दिखा सकती हूँ। तो भी तुम लोग को भी बोर हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें क्या ही देखोगे। ब्रेड $4 का, मतलब 200 रुपये का। ये है दही जो कि है 100 रुपये की, 750 ग्राम्स। पर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ही न्यूजीलैंड जाना जाता है। ये है न्यूजीलैंड का फेमस मनुका हनी, $54 का। और हनी ग्रोसरी शॉपिंग तो कर ली है और काफी ज्यादा खरीद ली है। हमेशा ऐसे होता है, सोच के कुछ और आता है और खरीद कुछ और लेते हैं। अभी के मार्ट नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो गई है और हमें कुछ ऐसा खरीदना भी नहीं है के मार्ट से। तो अगर मैं के मार्ट जाऊंगी ना तो लालच आ जाता है और फिर मैं कुछ ऐसा इम्पल्स बाय कर लूंगी, तो नहीं खरीदना मुझे कुछ भी ऐसा। तो इसलिए अभी सीधा जाते हैं, प्रोबेबली देखते हैं कहीं से कुछ खाने का लेंगे या फिर डायरेक्टली घर जाएंगे और घर जाके ही खाएंगे। सो शॉपिंग तो मैंने कर ली और अभी घर जा रही हूँ। अब प्रोबेबली घर जाके खाना खा के सो जाएंगे क्योंकि कल काफ़ी बिजी डे है। कल सुबह जिम भी जाना है एंड देन ट्रेनर के साथ 1 घंटे का सेशन है, तो शायद मैं वो भी रिकॉर्ड करूँगी। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो या आई होप यू गाइज लाइक दिट। इफ यू गाइज लाइक दिट प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।